ફિલોસોફી વાત કરી કે ડિસ્કશન કેવું છે અને કે બેસિકલી મેઇન રીઝન કે અમે એમાં આવે છે કે આપણું સિટી છે કે આપણે લાઇફસ્ટાઇલ છે જો ઇમ્પ્રૂવ થતી હોય તો આપણા પર્સનલ એફર્ટ સાથે ગવર્મેન્ટલ એફર્ટ્સને બહુ મોટો Yes.
કમ્પ્યુટર સાયન્સ કોલેજ અને અહીંયા કઈ નવું જાણવા મળે. ગુડ સર. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. આઈ એમ સંદીપ દાગી. આઈ એમ હેવિંગ અ બિઝનેસ ઓફ યાર એન્ડ આઈ એમ હિયર ટુ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ પોલીસ ઇન ધ કરન્ટ સિનેરિયો ઇન સુરત. Namit Kumar Sharma, Director of Textile, and I'm very excited to see this person and what will have in the bucket of the public rules of the region for the rest of the country. Myself is Parimal Vakharia. I'm a Devdi Bhumi Kama. I'm a Textile Club, President Tanike, but I'm a Chamber of Commerce. અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે છેલ્લા 23 વર્ષથી સંકળાયેલો છું અને છેલ્લા 4 વર્ષથી હું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલો છું અને એઝ અ પ્રોફેશન નામ એક્ટર હું એમાં ટીમ સિરિયલ્સ અને મૂવીઝમાં કામ કરું છું. જેનો આવતા શનિવારે 6 વાગે અહીંયા મારો એક સેમિનાર છે લાઇટ કેમેરા એન્ડ એક્શન, તેની ઉપર હું આપ સર્વેને આમંત્રણ પણ આપું છું. અને અહીંયા કમિશન હોય કે કોઈ કલા ગોષ્ઠી હોય અથવા તો જ્ઞાન ગોષ્ઠી હોય અથવા તો સાહિત્ય ગોષ્ઠી હોય એમાં દરેક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની ઈચ્છા રાખું. સ્પેશિયલી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું કોઈ વ્યક્તિ આવે છે એટલે હું અહીંયા આવ્યો છું એવું નથી, પરંતુ મને એવું છે કે આ નર્મદ લાઇબ્રેરી અને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એસજીસીઆઈએ જે રીતે આ એક કાર્યક્રમ શરૂ કરીને નર્મદ લાઇબ્રેરીને એક એપી સેન્ટર બનાવ્યું છે સુરતમાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમમાં, તેમાં દરેક રીતે હું સહભાગી થાઉં એવી મારી પર્સનલ અપેક્ષા છે. ક્રાઇમ
સંદર્ભની માહિતી ચાલવા માટે કેટલા દોષ पहला क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि आप अधिक
extension of pine branch, that is also very important measure every DCP, dissection of pine branch. लेकिन हमारा सबसे पहला हम सभी का अपने व्यू ले रहे थे आधार करके सब बात कर रहे थे एवरीबडी इज वरी गया अब ये आइडिया ऑफ द क्वेश्चन कि भाई आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन ये लोग जानना ये चाहते हैं कि डिवेंचर ऑफ प्लेन पर होने के बावजूद भी क्रैक होते रहते हैं वैसे बात नजर होनी चाहिए हर चीज पर पुलिस की लेकिन फिर भी जब तारों की बोतलें पकड़ी जाती है जुगाड़ के अड्डे पकड़े जाते हैं जब क्राइम बढ़ता जाता है तो एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द सिटी तो ये कैसे होता है इतनी ब्रांचेस होने के बाद कि ऐसा होता है ऐसा क्यों क्योंकि आपकी लोग इसी भी की तो बात है एक्टिविटीज में भी वैरायटी और कॉम्प्लिकेशंस आते हुए दिखते हैं
तो पुलिसिंग आजकल एक जनरलाइज्ड प्रोफेशन नहीं रहा है, विद इन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं। तो एक डिटेक्शन ऑफ क्राइम एक कला है, एक प्रोफेशनल चैलेंज है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस की जरूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हर एक शहर में या जिलाओं में भी डिटेक्शन ऑफ क्राइम के लिए एक स्पेशलाइज यूनिट रखा जाता है। तो डिस्ट्रिक्टों में हम इसको कहते हैं लोकल क्राइम ब्रांच, क्योंकि वो थोड़ा सा सेटअप छोटा रहता है। कमिश्नरेट हिसार में जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड है और क्रिमिनल एक्टिविटीज की पोटेंशियल भी ज़्यादा है और संख्या भी ज़्यादा है, तो इस तरह के इसमें सिनारियों को हैंडल करने के लिए हम एक डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच या क्राइम ब्रांच सिंपली क्राइम ब्रांच कहते हैं, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन का रचना। तो खास करके इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स से डील करना, टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज को डील करना, या कोई सेंसेशनल अनडिटेक्टेड मर्डर या रेप हो, या इस तरह का जो शहर का पुलिस का प्रतिष्ठा के लिए और साथ में जनमानस में एक विश्वास की वातावरण खड़ा करने के लिए ऐसा चैलेंजिंग इंसिडेंट बनता हो, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये क्राइम ब्रांच की रचना की हुई है। हम इसमें जोड़ सकते हैं साइबर क्राइम, ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस में जो डील करते हैं, इस तरह के किस्से, और ये प्रोस्टिट्यूशन एंड रिलेटेड इशूज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, और फाइनेंशियल क्राइम, वॉल्यूमिनस मल्टी कोर स्कैम्स होते हैं बैंक के, इंश्योरेंस के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड स्किल और कॉम्पिटेंस डिमांड करता है इन्वेस्टिगेशन, उस तरह के केस उनको हम क्राइम ब्रांच में डील करते हैं। तो हम इस ब्रांचों में जब पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति होती है तब भी एक एफर्ट कमिश्नर साहब की या पुलिस चीफ की ये होती है कि बहुत ही काबिल अनुभवी और कॉम्पिटेंट अफसर को रखा जाए, ताकि उनका इस तरह के केसों को इफेक्टिवली हैंडल करें और शहर का पुलिस के सामने जो चैलेंजेस है उसको हैंडल करके रिटर्न कर सकें। सर, साइबर क्राइम का आपने उल्लेख किया तो एक प्रश्न हमारे यहाँ ऑलरेडी उठ चुका है कि आर वी सक्सेसफुल इन साइबर क्राइम, जो उनको उसका उकेल लाने में सफलता है, और हमारे पास इतना स्टाफ है कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जो साइबर क्राइम को समझ सके। साइबर क्राइम एक इमर्जिंग एरिया है एक्चुअली, कुछ वर्षों से जिस ढंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना समाज के जीवन में एक हिस्सा बन के आ रहा है और अपना इकोनॉमिक या कोई बिजनेस एक्टिविटी में, एजुकेशनल एक्टिविटीज में, अपना डे टू डे आम आदमी के लाइफ में भी आजकल कोई क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के वगैरह दे नहीं सकता। अगर लेबर भी हो उसका पगार आजकल बैंक अकाउंट के द्वारा होती है, तो एटीएम कार्ड को उसको उपयोग करना ही पड़ेगा। उसमें सर्टन इश्यूज हैं, जैसा पिन है, उनका पिन नंबर है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज किया तो उसका सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये तरह का इस एक साइबर क्राइम का फिनोमिनन खास करके 2000 के दशक में देखा गया है, उसको डील करने के लिए आईटीआई एक्ट भी इनैक्ट किया गया था 2000 में। तो ये जो चैलेंज है उसको मीट करने के लिए पुलिस खाता में अभी कैपेसिटी बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज चल रही है। मैं मानता हूँ कि हर एक पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या डिवाइस भी इस तरह का ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सक्षम है। इसके लिए एक, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्पेशलाइजेशन की तरह शुरू हो चुकी है, उसको जो आईटी सिस्टम्स को समझता हो और इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉम्पिटेंस रखता हो और आईटी एक्ट का प्रोविजंस को समझता हो और उसमें जो एविडेंस की रिक्वायरमेंट है एविडेंस एक्ट में उसको कंपाइल करने की कॉम्पिटेंस रखता हो, ऐसा आप अफसर को ही नियुक्ति दे सकते हैं। अभी सूरत शहर में अपना क्राइम ब्रांच में ही साइबर क्राइम का रिलेटेड इश्यूज हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार के समक्ष एक प्रपोजल भी है कि सूरत शहर और सूरत रेंज के लिए एक कंबाइंड सेपरेट साइबर क्राइम सेल खड़ा करने की। मैं मानता हूँ कि सरकार इस पर अटेंशन दे रही है, कुछ समय में अपने को एक डेडिकेटेड अलग सा एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट मिलेगा, लेकिन मैं कुछ समय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर चुका हूँ। ये अपना सीबीआई में भी एक बहुत बड़ा साइबर इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी भी सेटअप किया गया था,
और बहुत सारे लोगों को हमने नेशन वाइड स्टेट पुलिसों को भी तालीम और जानकारी देते थे। बेसिकली फोकस ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी इससे जानकार हो, कॉम्पिटेंट बने और इस इशू को हैंडल कर सकें। अभी सुबह शहर में कुछ किस्से रिपोर्ट होते हैं, जैसा एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड और कुछ फिशिंग का रिपोर्ट होता है, इस तरह के केस हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर अपना जैसा मैं सीनियर ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट उनका गाइडेंस के नीचे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर काम करते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। सर अपने अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू वांट टू आस्क समथिंग मोर, यू आर वेलकम। ट्रैफिक क्वेश्चन वी विल नॉट एंटरटेन राइट नाउ। ट्रैफिक का मतलब ये सीनियर मतलब आपका क्वेश्चन है सर। साइबर कितना कंट्री स्वरूप में ये ब्रांच है साइबर इसके साइबर क्राइम की सर साइबर क्राइम की हमारा अनुभव है सर। बाप हमारा है बरस थे कि हमारे एक केस हो तो चाइना में हमारा एक कंपनी में एक जन $1,000 पेमेंट करा कर करो फ्रॉड नहीं करो ऐसे में कमिश मजाक कर रही कमिश्नर ने रखे लो हम ध्यान गयो क्योंकि हमारे पास साइबर को कोई छेद नहीं है प्रोड्यूसर पति के तो मेरे इसी भी मजा चौक में तो ध्यान गयो पर ध्यान पर क्या कर आप को हमारे तो सो को पढ़ा हो तो फिर साइबर विषय वो एज के दो की डीसीपी मां वापस आते साइबर क्राइम सेल की गुजरात सरकार समक्ष एक दरखास्त प्रदर्शे जिन अंतर्गत अपने सूरत शहर अने आखा सुरक्षित रीजन चार जिलाओ माटे एक साइबर सेल उभा करवानी प्रस्ताव छे। टूंक समय में आवा एक सेपरेट साइबर क्राइम सेल उभा करवानी शक्यता छे। जारे आवा सेल बने सक्षम अधिकारी नियुक्त थाय एक हमारे इक्विपमेंट जो है के साथ टूल्स एंड वेरिडल्स जो है आ बधु एक तो तैयार पछी वो कई लोग के सर्विस है पुलिस कस्टम सा एक एवा साइबर प्रोटेक्शन छे। आज की तारीख में कोई फरियादी अपना दर पुलिस स्टेशन से आवे आवा एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन जरूर छोड़े आप बता सुविधा हुआ नहीं हुआ छता अपने उपलब्ध साधन सामग्रियो अने अन्य संगठनों साथे संकलन भी आवा इन्वेस्टिगेशन अपना करिए चाहिए। तमारा कोई स्पेसिफिक एपिसोड के इंसिडेंट बाबते हूँ जानता हूँ कि ये वो है तो तमें मैंने पूछी है नहीं ये तो एमा मने यो क्या हुआ और देखिए पैसे के लिए क्या प्रॉब्लम बनती है अरे अब समझे सर अगर समझ गया तमारी तमारा एक व्यक्तिगत समस्या चाहे जरूर की साइड पे पहुंचो नहीं क्या व्यवस्था नहीं है दादा पर पहुंचो तो खरा ये कहे छे के जारे व्यवस्था नथी व्यवस्था का अभाव छे गुजरात सरकार की अंदर एक काम आगळ वधी रह्यु छे એસો ઇઝ એક્સેપ્ટિંગ અને સાયબર ક્રાઇમમાં જે જે લોકો આ કરે છે ને એ મેન્ટલી આપણા કરતા બે ડગલા બહુ આગળ રહેતા હોય છે એટલે કે આપણે સદાય એ રીતે પોલીસ તંત્ર મજબૂત થઈ ગયું દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેઇંગ ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એવું પણ આપણા આગળ રહે છે એવું પણ નહીં આપણે ઉદાહરણ તરીકે એક આચાર્ય મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થઈ રહી છે નેસકોમ છે નેસકોમ એક એવું સંગઠન છે આપણા નેશનલ લેવલના સોફ્ટવેર કંપનીઓ આગળ આવીને પોલીસ સંગઠનોને મદદ કરવા માટે ઉભા કરેલા એક સંગઠન છે આ લોકો પણ પોલીસ એક ડાયરેક્ટર સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન સાયબર ક્રાઇમ એડવાઇઝર કરીને પોલીસ ઓફિસરને ડેપ્યુટેશન ઉપર દેતા હોય છે અને કેટલાક રાજ્ય સરકારોના રાજ્ય પોલીસને આ લોકો સામેથી એક સાયબર ઇન્વેસ્ટિગેશન લેબોરેટરી સેટઅપ કરીને આપેલા છે આપણા કર્ણાટકમાં સાથે ઉલ્લેખ કરી કે જ્યારે હું સીબીઆઈમાં બેંગ્લુરમાં હતા ત્યારે સીઆઈડી હસ્તક એક એવા નેસકોમ સ્પોન્સર્ડ સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન લેબોરેટરી હતી તો કરોડો રૂપિયાની સાધન સામગ્રીઓની જરૂરિયાત પડે છે આ બધા સગવડતાઓ ઊભા કરવા માટે થોડું પ્લાનિંગ અને આયોજનની જરૂર છે આ આપણા ગુજરાત પોલીસમાં થઈ રહ્યું છે નેક્સ્ટ પોલીસ પોલીસ કા ડર પોલીસ કી વૈસે જો ઇમ્પ્રેશન હોતી હે બચ્ચો કા ફ્રેન્ડ યા તો હમારા ખુદ કા ફ્રેન્ડ પ્રજા કા ફ્રેન્ડ लेकिन एक्सपीरियंस बताता है और सभी लोगों का एक्सपीरियंस बताता है जिसको जिसको भी अभी तक पुलिस स्टेशन में जाना हुआ है उनका एक्सपीरियंस कुछ और होता है वो हम भी जानते हैं हम तो आपसे डील रोज करते हैं सरकार है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन सभी सामान्य आदमियों को तो ये प्रॉब्लम होती है और जब बच्चों की होता है तो उसको ऐसा डर बताया जाता है कि जो है पता पुलिस को बुलाएंगे ये जो मानसिक पुलिस का जो स्वरूप बाहर आया है वो बड़ा खतरनाक है इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे देश में हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि दे नीड टू फियर लॉ नॉट पुलिस कानून का धरती का कानून को अपने को आदर करना है
पुलिस सिर्फ उसको एनफोर्स करने की एक एजेंसी है। अपना जैसा देश में जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है और रूल ऑफ लॉ इसका फंडामेंटल फीचर है, उसमें मैं मानता हूँ कोई भी नागरिक पुलिस तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बच्चे को डराती है गलत है, अपने को बाल्य से और जब हम बड़ा नागरिक बनते हैं उस प्रक्रिया में अपना एक इंग्रेड होना चाहिए कि रिस्पेक्ट फॉर लॉ, रिस्पेक्ट फॉर मदर्स राइट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर दोस ओन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर इस इश्यूज को हम ठीक से अपने बच्चों को पेश करें, उनको समझाएं, तो मैं मानता हूँ ये पुलिस को विलन पेश करने की या उसका एक डरोना इमेज खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं 1996 में पुलिस में भर्ती हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। मैं भी ऐसा ही जैसा हर माता पिता सोचते हैं, ऐसा मेरा पिताजी ने भी सोचा था कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने भी ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा किया, उसके बाद मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने की इच्छा हुई। उस समय मेरे को भी पिताजी कहते थे कभी बेटा ऐसा जिन्हें मैं कभी कुछ नहीं करना, जिसके वजह से तुम पुलिस स्टेशन या कोर्ट का स्टेप्स चलने का जरूरत पड़े। ये एक आम आदमी के मन में ये एक घुसाया हुआ एक चीज है जिसको अपने को डिस्पेल करना चाहिए। ऐसा ही एक अप्रहेंशन, अगर मेरा राइट का इंक्रोचमेंट हुआ है, अगर मेरा कोई हक को छीना गया है, मेरा भी एक हक बनता है कि मैं कोर्ट जाऊँ और मेरा राइट्स को वायलेट इंटरेस्ट को रिस्टोर करूँ, उसमें कोई गलती नहीं। इसी तरह का अगर मैं एक विक्टिम ऑफ क्राइम हूँ, one should not fear seeking the assistance of the police agency, because that is the agency entrusted with the responsibility for handling that case. तो मैं मानता हूँ इस फोरम से हर एक नागरिक का मन में ये होना चाहिए, पुलिस एक essential element of law enforcement है, government का तंत्र कहीं का अविभाज्य हिस्सा है, उसका जब जब जरूरत है सुरक्षा के एंगल से उस समय उसको अप्रोच करने में किसी को कोई भय या कोई hesitation नहीं। मैं हमेशा मेरा 16-17 ईयर्स का करियर में यही कोशिश किया हूँ कि अपना एक्सेसिबिलिटी रहे, अपना एक फ्रेंडली फेस लोगों को पेश हो और उनके मन में जो भी अप्रेंशन या पुलिस के बारे में जो मिसगिविंग्स है उसको हम दूर करें और एक गुणवत्ता वाली सेवा जो हम कहते हैं क्वालिटी सर्विसेज हम उनको पूरा करें और उनका विश्वास हम जीतें। उनके मन में जो गलत आइडिया है पुलिस के बारे में उसको हम दूर करें। तो एक इस तरह का मैसेज इस फोरम के थ्रू आप भी आपका हर एक फैमिली सभ्य को कि मित्रों को आप या स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आप उसको स्प्रेड करना चाहिए। सर सरकार जवाब है इसके ऊपर आपको कुछ बोल पूछना है इसके पुलिस के इसके बिहेवियर के साथ। हेलो सर, राहुल है, आई एम अ स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कम अक्रॉस बोथ टाइप्स, गुड कॉप्स एंड बैड कॉप्स। Now, this is one experience that I have come across with bad cops. The thing is, whenever you are traveling alone at night, if it's 3 or 4 in the night and you are traveling and you are supposed to come across cops, that is a very good thing. Now, even if you have license and you have body, the papers of your vehicles, you are supposed to pay something to them. Now, the one question is it a crime to travel alone in the night, both the gaadi leke rakhne ne nikale, because I have come across numerous accounts where aisa rakhne ki aadat hai. Policemen tell you, okay, it's not right to roam around in the night with that, and they threaten you most of the times. Okay, tumhare paas ye hai, wo hai, phir bhi paisa dena padta hai, aage mat jao, dhand bolo, to yehi sab hoga. And they end up taking money from you. Now the second thing is the way the policemen handle couples. I've seen it numerous times. Kahin pe bhi gaadi khadi hai, even if they are not doing anything, policemen come and harass them. And I've come across many numerous instances, and I can give examples too. Now the question is, what is the crime in this, and if it's the crime, how it is supposed to handle, and now what are the prices that we are supposed to pay? I mean, are what policemen doing right? I mean, कैसे भी ऐसे पैसे उठा के लेके जाना सही है कि नहीं? मैं तो पता नहीं है कि इसका personal issue discuss करने के लिए right forum है, लेकिन इसमें जो essential issue है, उसको सिर्फ मैं बात करना चाहूँगा। जो आप नए police officer हो, जैसा मैंने बताया कि मैं भी आप जैसा आप जिस समाज से आते हो उसी समाज से आए, मेरा हर कर्मचारी इसी समाज से आया, इसी समाज का सब मेरा बहन या मेरा भाई कोई अन्य प्रोफेशन में है, पुलिस ऑफिसर नहीं। तो एक चीज आपको मन में स्पष्ट होना चाहिए, पुलिस के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है अगर मैं किसी को रोकूंगा
अच्छा उसको चेहरा दिखा तो पता चला ये टेररिस्ट है, ये क्रिमिनल है, ये डकॉयट है, ये रॉबरर है, ये मर्डरर है, ये क्रिमिनल है, ये जेंटलमैन आदमी है, ये सेंट है, साधु है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो जो जिस वर्दी में दिखता है वो डिसेप्टिव हो सकता है, जिस अपीयरेंस कोई एश्योरेंस नहीं देता है कि उसका पीछे का पर्सोना में क्या छुपा है। तो पुलिस का यही परेशानी है कि फिल्टरिंग आउट क्रिमिनल्स फ्रॉम दी लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। तो ये चैलेंज हम एक प्रोफेशनल चैलेंज है और पुलिस के साथ इंटरेक्शन बहुत प्लेजेंट है। लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको रोकने से भी लोगों को इनकन्वीनियंस महसूस करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपना पुलिस संगठनों को अपना खुद का सुरक्षा के लिए सरकार नहीं देंगे, उसका प्रश्नों का सही जवाब देके उनको क्रिमिनलों को जो आम जनता के बीच में से ढूंढ निकालने में असिस्ट नहीं करेंगे, तब तक पुलिस संगठनों को सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर वो असफल रहे इस समाज का सुरक्षा गारंटी नहीं है। तो हम अपने को एक गुनेगार को ढूंढने के लिए 100 लोगों को रोकना पड़ता है, 100 लोगों को प्रश्न पूछना पड़ता है, असर्टन करनी पड़ती है, ताकि आपके बीच में रह रहे एक गुनेगार जो समाज को नुकसान कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको टारगेट करें, उसको आइसोलेट करें, उसको इस धरती का कानून के तहत कार्रवाई करें। मैं इसलिए फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपके मन में ये जागृत होना चाहिए कि दिस इज माई सैक्रेड ड्यूटी टू कोऑपरेट विद द पुलिस, एक्सटेंड ऑल काइंड ऑफ कोऑपरेशन, इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी। मैं कहीं रोक के मेरे को पुलिस मेडल 10 लोगों को ज्यादा रोका था इसलिए नहीं मिला। अपना पुलिस सेवाओं में सुधारा लाने की हर शहर या जिला के जहाँ पे हमने काम किया उसमें नागरिकों को इस सुविधा देने की एक ऑनेस्ट कोशिश एफर्ट और उस दिशा में मेहनत के लिए होती है। तो मैं गर्व से ये कह सकता हूँ पुलिस तंत्र किसी में जुड़ी है, आपको जो भी असुविधा जो कह रहे हैं आप उसको सरकार का एक हिस्सा मानिए। पुलिस को ज़्यादा अगर आप परसेप्शन को मैं ऐसा ब्लैकबोर्ड को साफ करने जैसा नहीं कर सकता, बट डोंट कैरी दिस पर्सन। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, एयरपोर्ट में जाइए, प्रेसिंग करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। इधर अगर मैं रोकता हूँ पूछता हूँ अगर 4 o'clock कोई जा रहा है, इट इज नॉट द नॉर्मल टाइम फॉर यू। अगर कोई आ रहे हैं तो पुलिस अगर इंटरसेप्ट करती है, आपको प्रश्न पूछती है, मैं आग्रह करता हूँ आपसे उसको बुरा ना माने। आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, ये उनके सामने पेश करके आगे बढ़ो, उसको हरासमेंट या इस तरह का जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सर लेट मी से फ्यू थिंग्स। श्रोताओं ने नम्र विनती, આપણે અહીંયા સર્વસામાન્ય પ્રશ્નો ચર્ચવાના છે, વ્યક્તિગત પ્રશ્નો ચર્ચવાના નથી આ પ્રથમ વાર। બીજી વસ્તુ કે જે રીતે મિસ્ટર રાહુલને એક્સપિરિયન્સ થયા છે તે રીતે એક્સપિરિયન્સ મને પણ થયા છે, કારણ કે મારું પોતાનું રેગ્યુલર પોસ્ટિંગ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ પર છે। ઘણી વખત રાત્રે પ્રોગ્રામમાં મોડા પૂરા થાય, મને ઘરે જવામાં મોડું થાય, પણ એક વસ્તુ મેં અનુભવી છે કે જો તમે પોલીસને કોઓપરેટ કરો તો પોલીસ તમને કોઈ બિનજરૂરી હેરાનગતિ કરતી નથી। આ વસ્તુ મેં સુરતમાં પણ એક્સપિરિયન્સ કરી છે, બોમ્બેમાં પણ એક્સપિરિયન્સ કરી છે અને અમદાવાદમાં પણ એક્સપિરિયન્સ કરી છે। એટલે તમારી પાસે બધા કાગળિયા કે આ કે તે તમારા આઈડેન્ટિફિકેશન ડોક્યુમેન્ટ હોય એ પૂરતું નથી, તમારો બિહેવિયર કેવું છે, તમારો એટીટ્યુડ કેવો છે, તમારું કોઓપરેશન કેવું છે, એના પર આ બધી વાતો આધાર રાખે છે। બીજી વસ્તુ કે તમે લેટ નાઇટ કે મિડ નાઇટની વાત કરો છો, તો સામાન્ય રીતે જે પણ ગુનાઓ બનતા હોય છે તે આ કલાકોમાં જ બનતા હોય છે, એટલે પોલીસ જે ટાઈમે વિજિલન્ટ હોય તે વ્યવહારુ છે કે આવનાર જતા કોઈને પણ અટકાવીને પૂછે કે ભાઈ તમે કોણ છો, ક્યાં જાઓ છો, કારણ કે દરેક વ્યક્તિના કપાળ પર લખેલું નથી હોતું કે કોણ છે। કદાચ હું સારો દેખાતો હું પણ અંદર ખાતે ખરાબ પણ હોઈ શકું છું, જે ખરાબ દેખાતો હોય તે સારો પણ હોઈ શકે છે। એટલે પોલીસ એની ડ્યુટી કરે છે, તમે ઓબ્વિયસલી એને કોઓપરેટ કરો એ તમને કોઈ બિનજરૂરી હેરાનગતિ નહીં કરે। થેન્ક યુ। My point is that
what is the present mechanism of the monitoring of the functioning of the police personnel, internal or external, whether your departmental mechanism or external mechanism? Because many times we find that in media, otherwise we find that somebody is taking bribe, somebody is not behaving properly, somebody is refusing to file the FIR. So for this monitoring, as a preventive measure and as a therapeutic measure, what is the mechanism existing and is it sufficient? पुलिस जिस ढंग से इस देश में स्ट्रक्चर है, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नीचे एक कांस्टेबल से लेके डायरेक्टर जनरल पुलिस तक की एक हायरार्की है। ये आप ही के शहर में पुलिस कमिश्नरेट है, इसमें पुलिस कांस्टेबल से लेके एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनके नीचे तीन एडिशनल कमिश्नर हैं, उसके नीचे छः डिप्टी कमिश्नर हैं, उसके नीचे आठ असिस्टेंट कमिश्नर हैं और 24 पुलिस स्टेशन हैं। ये एक हायरार्की है पुलिस स्टेशन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम है इंटरेक्शन में, बिजात में बोलना है आप प्रकार से आई थिंक यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी सो ना मैं दोनों मेरे लिए आई हैव लर्नड आफ्टर जॉइनिंग दिस हिंदी जे रीते बोली शकू ए प्रकार गुजराती पर बोली शकू कदाच ग्रामेटिकली एटला बधुं करेक्ट ना हो तो पण न हो तमने कम्युनिकेट करी शकू। तो आ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन मां एक हायरार्की मां एक लेयर मां कोई तमने ऑब्स्ट्रक्शन मळे या सारा रिस्पोंस ना मळे तो तमने एक लेयर ऊपर जवानी तक छे। तो सब इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन है ये सोचो तमने सारा प्रतिसाद ना आपे केटला किस्सा में अपना असिस्टेंट कमिश्नर सुधी रजूआत करी शको छो डेप्टी कमिश्नर पासे रजूआत करी शको छो अने पोते कमिश्नर के एडिशनल कमिश्नर पासे तमे जईने रजूआत करी शको छो। आ रजूआत करवा माटे एवुं पण नथी के तमे पोते आवो के टेलिफोन थी संपर्क करो रजूआत करो अने केटलाक तमे शॉप छे કેટલાક એનજીઓના પ્રતિનિધિઓ છે, રાજકીય નેતાઓ છે, નગરના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો છે, એમના મારફતે પણ કેટલાક પ્રકારના ઇનપુટ આપણને મળતી હોય છે અને પણ આપણા કરેક્શન માટે ઇન્ટરવેન્શન અધિકારીઓથી ઇન્ટરવેન્શન કરીને જે કંઈ ગેપ્સ છે રિસ્પોન્સીસમાં કે કાર્યવાહીમાં કે પબ્લિક બિહેવિયરમાં પબ્લિક સાથેના બિહેવિયરમાં આ બાબતે આપણે એક કરેક્ટિવ સ્ટેપ તો જ્યાં સુધી આપણા તમે એક બે રેફરન્સ કરી કે કરપ્શન યા બીજા આ માટે પણ આપણા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો છે ડેડિકેટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે યોર ટ્રસ્ટ અને ડેલિક્વેટ એલિમેન્ટ સાથે ડીલ કરવા માટે કેટલાક કિસ્સાઓમાં હું પણ સુરત પોલીસ કમિશનરમાં ડિસ્ક્રિમિનેટરી મેટર્સ પોતે ડીલ કરું કે હંડ્રેડ્સ ઓફ પોલીસ કર્મચારીઓ વિરુદ્ધમાં નિયમ વિરુદ્ધ આપણા જે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ્સ અને જે પ્રોસિજર છે આના વિચલિત થઈને જે કામકાજ કરે છે એમના વિરોધમાં અમે કાયદાકીય રાહે પણ કાર્યવાહી કરીએ છીએ। સર આપને ભી બતાયા કે હરાર્કિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ પોલીસ ઇઝ અ હરાર્કિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ઇવન ધો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ સોસાયટી there is a clear demarcation between the police department and the society. See, what I want to know is ki how the police department is trying to create bridges between the society. See, hamara problem kya hai ki hum society wale jo hai, for us it is a, you know, it's a hierarchy organization, as you said, such a big organization, and kiske paas jaye kahan jaye, there are so many questions. We normal citizen normally let's go, theek hai chhodo yaar isko aur baat kare. So what are the bridges that the department is trying to create between the citizens and the department as such? एक तो ये है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका सेटअप में के बारे में हर नागरिक को प्राथमिक जानकारी होना जरूरी है। तो अगर थोड़ा सा ये अपना शिक्षण व्यवस्था में भी इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपना एफर्ट्स अपना ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से रीच आउट करने के लिए पब्लिक को, खास करके अपने जैसे पुलिस कंट्रोल रूम है अपने पास 10 डायल 100 हर घर घर में हर नागरिक को पता है कि 100 डायल करने से पुलिस आती है, 101 डायल करने से फायर सर्विसेज का लोग आते हैं, 108 करने से हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एम्बुलेंस आती है।
तो ये 100 day कैसा सिस्टम है कि ओनली 3-digit नंबर है, आप कॉल करने से पुलिस कमिश्नर साहब के नीचे डायरेक्टली ऑपरेशनल ये जो कमांडेंट कंट्रोल सेंटर है या पुलिस कंट्रोल रूम है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो एक ईसी एक्सेस के लिए। सेकंड, सूरत शहर पुलिस के तरफ से और समग्र गुजरात पुलिस के तरफ से ये एक एफर्ट है कि नागरिक और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको ब्रिज किया जाए। अभी एक रिसेंटली एक कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव गुजरात राज्य की तरफ से आई है, सुरक्षा से एक कम्युनिटी और पुलिस को साथ में नजदीक लाने की एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक स्कीम चला रहे हैं। नगर के प्रतिष्ठित नागरिक प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, एनसीसी एनएसएस के मेंबर्स हो, स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर्स हो, मतलब सोसाइटी के हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को इसमें रखते हैं। जो कोई उनका क्रिमिनल हिस्ट्री इंसिडेंट नहीं है, नथिंग टू डू विद पुलिस, बट एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पुलिस के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, इस तरह लोगों को हम नजदीक ला रहे हैं। इसी तरह से अपना और भी कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव सूरत शहर में है, चल रही है, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं। अपना अभी भी एनरोलमेंट ओपन है, ये नर्मद लाइब्रेरी के बहुत सारे रीडर्स जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे सिटीजंस हैं और सूरत शहर के लिए, इसका सेफ्टी के लिए, इसका विकास के लिए जागृत है, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जेंटलमैन आगे आ सकते हैं और अपना इस स्कीम के सभी बन सकते हैं। उसमें आप भी अपने साथ जुड़िए, साथ में एक मैसेज समाज में स्प्रेड कीजिए कि नहीं, पुलिस एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जरूरियात है, इसे अपने को हाथ मिला के काम करने से समाज का सुरक्षा को और सुदृढ़ बना सकते हैं। ये मैसेज आप जी सर आपने भी मतलब फ्रेंड ऑफ पुलिस का जिक्र किया, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो स्कीम यहाँ पर पहले थी, तो भाई वो स्कीम अभी है लेकिन निष्क्रिय है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को आपने अपॉइंट किया है और करना भी मत, क्योंकि जब लोग फ्रेंड ऑफ पुलिस बन जाते हैं तो खुद ही पुलिस बन जाते हैं, और फिर वो तोड़बाजी, किसी को डरा देगा, किसी को धमका देगा, काम खुद ही करने लगते हैं, और इसीलिए वो एफओ भी फेल हो गई थी उस वक्त जब ये थी। इसमें जैसा मैंने कहा कि इसको हमने रिवाइव किया है, जो क्रिमिनल और उसमें डिवेंट एलिमेंट्स थे उनको मेंबरशिप टर्मिनेट किया गया है, जो इसमें योग्य हो सकते हैं अपना पार्टनर बन सकते हैं ऐसा नया मेंबर्स को हमने एनरोलमेंट की है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, अगर एक भी मेंबर इसको मिसयूज करने का कोशिश करे पुलिस के साथ खुद का एसोसिएशन को खुद का फायदा के लिए उठाएं, यूज करें, या किसी भी तरह जैसा इन्होंने उदाहरण दिया है एक्सटॉर्शन के लिए या पैसा उठाने के लिए उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, अपने को कोई हेजिटेशन नहीं है उसका मेंबरशिप टर्मिनेट करने की। इस तरह के कुछ किस्से बनते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एंटायर स्कीम को हम क्लोज करें, वो भी समाज में मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो हैं लॉ अबाइडिंग हैं, इंटेंशन है, अच्छे लोग हैं, एक तो कुछ माइनॉरिटी इन लोग हैं जो क्रिमिनल है, डेलिक्वेंट है, इस धरती के कानून को आदर नहीं करते हैं, समाज के नियमों को गौरव से नहीं देखते हैं, ऐसा इंसान को हम दूर रखे, हम काम साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने को ज्यादा सफलता मिलेगी। जब कोई इंसिडेंट बनती है वही इशू इनका स्टेटमेंट में भी था,
उसी को मैंने रिस्पॉन्ड किया था कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती है आप उसका एक क्रिमिनल एक्टिविटी का विक्टिम हो, आपके घर पे चोरी हो गया, हार्ड अर्न्ड वेल्थ प्रॉपर्टी क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट गेट्स लॉस्ट, यू आर ट्रॉमेटाइज्ड, यू आर अग्रीव विद द सोसाइटी इन द दे रिस्पॉन्डेड दैट दैट टुक अवे दिस। इस तरह के संजोगों में आपके सामने दो ऑप्शन है, इंडिया जैसा देश में ऐसा नहीं कि घर में जो वेल्थ है उसको इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, चोरी होने के बाद अगर पुलिस का सर्टिफिकेट देने से आपको इंश्योरेंस रीएम्बर्स हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति नहीं। उस तरह के संजोगों में ये जरूरी है कि आप इंसिडेंट के बारे में पुलिस को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप ऑपरेट करें, उसमें डिटेक्ट हो संबंधित अपराधी कोर्टों में मुकदमा फेस करें, उसके बाद उसको सजा हो। अगर आप इसको इनकन्वीनियंस मानते हो, आपका पिताजी इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं पुलिस के पास जाओगे स्टेटमेंट निकालने के लिए बिठाएंगे, दो घंटे उसमें जाएगा, फिर कोर्ट में कभी समन्स आएगा, सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद किसी दिन आप जाएंगे उस दिन सुनवाई होगी नहीं, नया डेट पड़ेगी, आपके बार बार जाना पड़ेगा, ये इनकन्वीनियंस है, इसलिए आपको फरियाद मत दीजिए। ये एक नॉर्मल सा सोसाइटल रिस्पॉन्स है, लेकिन आप उसी को अगर आप सहन करते हो, क्रिमिनलिटी आपके घर पे, आपका नेबरहुड में, आपका समाज में और आपका शहर में, तो आप खुद का तो सुरक्षा जो कमी है ही, साथ में आपका एंटायर नेबरहुड एंड सोसाइटी का भी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एक बार अगर कोई गुनहगार क्रिमिनल एक्टिविटी किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना, उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ी, एम्बोल्डन हो गया, और किस समय वो भाग लेने में मौका मिलेगा। अगर उसका प्रथम इंसिडेंट रिपोर्ट होती है और लोकल पुलिस या डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच उसको डिटेक्ट करने में सफल होती है और अच्छा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जो इस कानून के तहत सजा होती है, तो एक गुनहगार को समाज से बाहर निकालने में हम सफल होंगे, उतना हद तक आप समाज को सुरक्षित बनाने में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो मेरा अपील है हर जिम्मेदार नागरिक इसको इनकन्वीनियंस ना समझे और इसको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करे, तो उसमें पुलिस को भी मदद होगी और आपको आपका इमीडिएट नेबरहुड एंड एंटायर सोसाइटी को और सेफ बनाने में, सिक्योर करने में अपने को मदद होगी। नहीं सर, एक्चुअली इनका क्वेश्चन में से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं लेकिन वो सही रास्ता नहीं है, जानो जो तब बताते हैं अगर कोई कहीं आग निकल बना देता था या कोई आपका कुछ पर्स में कुछ पड़े थी वो हो गए थे, आप इस सर्कमस्टेंसेस में कोई आप पता आपको पता नहीं है, मतलब पिक पॉकेट हो गया तो काटा हुआ दिखता, आप नहीं जानते कि पिक पॉकेटिंग हुआ या कहीं गिर गया, दैट कैन बी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, उसको हम जानना जो बोलते हैं। लेकिन बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है और वो कोई गलत एप्लीकेशन पुलिस डिपार्टमेंट में दे देता है, तो वो FIR नहीं होती, वो होती है कोई सादी एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन के लिए पुलिस ऑफिसर से का फोन आता है कि आपको यहाँ पे जवाब लिखवाने आना है, तो क्या वो जरूरी होता है कि वो एप्लीकेशन का जवाब देने जाना पड़े? जरूरी है क्योंकि समाज से इस तरह का बहुत सारे अपने मिसलेनियस कंप्लेंट्स होते हैं, अपना परिचरण अर्जी हो तो दरेक शहर जिला कक्षाएं आपका जाना अर्जी हो आप करें, कानून तहत कॉग्निसेबल ऑफेंस मार्च FIR दाखिल थी शके छे, सिविल मैटर मा या नॉन कॉग्निसेबल किस्सा मा FIR दाखिल ना थी शके, तो आ प्रकार ना अर्जीओ पुलिस अधिकारी पास आवे तो प्राथमिक दृष्टि अपना इंक्वायरी करिए छे, एटला माटे के कॉग्निसेबल बनाव बने छे के केम, पुलिस अधिकार नो गुनो बने छे के केम, अने FIR नोंधी ने आगर तपास हाथ धरवा माटे कानूनी जोगवाई मुजब ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે કેમ આ અસર્ટન કરવા માટે આપણે એક એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, સિવિલ મેટર હોય અને નોન કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સિસ બને એવા કિસ્સામાં પોલીસ આગળ વધતી
उनके खिलाफ इंक्वायरियां चलती हैं, बहुत सारे अधिकारी आप सुनते हैं पेपर में पढ़ते हैं जिन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस की है, लोगों की अधिकार छीनी है, गलत तरीकों को अपनाई है और कानून की मांग की है, उनको क्या नतीजा आती है इसके पीरियडिकली आप पढ़ते हैं जानते हैं। वही चीजें अगर सूरत शहर का कोई अधिकारी करेंगे उनके लिए भी ना। आप इतना आप टीनेजर हैं, आप एक मेंबर हैं, एंथुसियास्टिक होना चाहिए आपके सामने लंबा फ्यूचर है, आप इतना फ्रस्ट्रेटेड और अफेंडिंग पर्सन पूछने को मजबूर नहीं होना चाहिए। और पुलिस के तरफ से जितनी जाती है बहुत सारे महिलाओं के सुरक्षा के लिए पुलिस की इनिशिएटिव अपने महिला पुलिस स्टेशन है। इसी शहर में कुछ समय पहले कुछ इंसिडेंट ऐसे बने थे जिसके वजह से इस शहर का नागरिकों को इमोशनली डिस्टर्ब थे, उस इस माहौल में अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए जैसा स्टूडेंट मोबाइल करके भी शुरू किए, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस के गेट्स पे ये लोग तैनात रहते थे और इस तरह का क्रिमिनल एलिमेंट्स के टारगेट करने की कोशिश करते थे। और आप जैसे युवान लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल खड़ा करने की कोशिश करते थे, वो प्रक्रिया आज भी चालू है। देखिए इस तरह का जो छेड़ती करने वाले कौन है, अपना ही मित्र है, अपना भाई है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो एक इस तरह का प्रक्रिया थोड़ा सा ग्रे एरिया है ना, कोई सहनीय है, लीगल कार्रवाई करनी जरूरी है, आप आइए उसमें जो पुलिस कार्रवाई होगी। सर वैसे तो सोसाइटी में इसके बारे में बहुत सारे कॉमर्शियल काम बहुत से होते हैं, जैसे ट्यूशन क्लासेस चलती है और भी बहुत सारे बैंक खुलने लगते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से सोसाइटी में रहती है। तो हम सोसाइटी वाले जब उनको कंप्लेन करते हैं भाई तुम ये बंद करो ये काम, तो वो क्या करता है सर हमने तो कॉमर्शियल करवा लिया अपने फ्लैट को या बंगले को, उनकी इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लेन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में वो कॉमर्शियल उसको डाइवर्ट करा लेते हैं, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन होती है, लेकिन सोसाइटी में उसको खाली नहीं करते, प्रॉब्लम बहुत रहती है। उसके लिए हम लोग जो सोसाइटी के मेम्बर हैं जनरल पब्लिक उसके लिए क्या करें सर, पुलिस उसमें क्या हेल्प कर सकती है, ऐसा से तो अपना टैक्स लेके फ्री हो जाती है। उसको सर्टेन आवर्स रेगुलेट करने के लिए पुलिस कमिश्नर का प्रायोरिटी ऑर्डर है, सुबह 7 बजे और शाम को शायद 8 o'clock तक चला सकते हैं उसके बीच में, उसके बाद में लेट नाइट वगैरह नहीं चला सकते, अर्ली मॉर्निंग नहीं चला सकते। जो ये अपना फ्रेंड बता रही थी उस तरह का किस्सा ना बने और किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी होता ना हो, अगर ये आप ये हिंदू फेम की बात कर रहे हैं ये पुलिस के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है, उस तरह के किस्सों को बताना चाहिए। काफ़ी बार नागरिक अपने से डिसअपॉइंटेड इसलिए भी हैं जो अपने खाता का संबंधित नहीं है ऐसा मुद्दा अपने पास ले आते हैं, जो अपना इंडियन लॉ है जो वो जो पूरा ज्यादातर ब्रिटिश लॉ में से लिया गया है और इसमें इतने सालों में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो ऐसा आपसे मैं इंडिविजुअली पूछना चाहूँगा कि इसमें आपको इंडिविजुअली फील होता है कि चेंजेस करने चाहिए कि नहीं, और जो ये अपनी लीगल फॉर्म प्रोसीजर है पूरी बाय मिस्टेक अगर कोई सच्चा ट्रू पर्सन भी अगर फंस जाए इसमें तो लीगल प्रोसीजर इतनी लंबी है 10 साल 12 साल, तो वो शायद कबूल भी कर ले कि मैं झूठा हूँ। तो आपको और ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी रिसेंटली इतने अफेयर हो रहे हैं तो आप इसका हैजार्ड कितना देखते हैं आने वाले सालों में, इसका नुकसान हो रहा है लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप इसका आने वाले वक्त में कितना नुकसान देख रहे हैं। और मैं एक बार सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अपना जेल में से जेल का एनवायरनमेंट होता है,
जो जेल में से अगर सजा खत्म करके निकल रहा है तो वो तो अब हमारे समाज का एक व्यक्ति है, तो वो कितना सुधर के निकलता है? मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि वो सुधर के निकलता ही नहीं, और वो सजा समाज में आके हमको भी इफेक्ट करेगा ही ना। सामाजिक सुधार की बात एक तो एकादशी सफिशिएंसी ऑफ द लॉ पूछ रहे हैं। सर, आई हैव द सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। पुलिस से पूरा मतलब बहुत सालों से ये क्वेश्चन है, दैट इज करप्शन वन थिंग। सेकंड थिंग व्हिच इज आवर लेंथी प्रोसीजर सर, तो सर ये क्या है कि बहुत पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंथी है, इसकी वजह से कोई पसंद नहीं चाहता। एंड सेकेंड थिंग जो उन्होंने लॉ का बात किया, लेट मी टेल यू देयर इज वन लॉ इन आवर पुलिस दैट इज राइट टू ऑफेंस। It's a law from the Britishers, which is still there. मैंने आप अगर मुझे डंडा मारेंगे, I cannot offend you. Okay, ये है। तो सर क्योंकि because and there are many loopholes still we have in our law, what I feel is जो क्योंकि ये कानून इतना सख्त नहीं है, क्योंकि इसमें loopholes है और इसकी वजह से criminals को या crime करने वालों को छूटने का मौका मिल जाता है। Is it the reason why कि crime होते ही रहते हैं, कोई रोक नहीं लगता उसमें? कुछ खास खामी नहीं है, इसी तरह के कानून बहुत सारे देशों में है, अपने लीगल सिस्टम बहुत अच्छी है, और जहाँ जहाँ पे अपने को गैप्स नजर आते हैं पार्लियामेंट एंड जो सोसाइटी जो युग धर्म बोलते हैं, कंटेम्पररी सोसाइटी का नीड्स एंड रिक्वायरमेंट शो है, उसको उसको फाइन ट्यून करने की जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक ये पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन होगा और लॉ में अमेंडमेंट्स आएंगे। और एक अपना जैसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, उसमें आप और हम पॉजिटिव होना चाहिए कि जो भी करेक्टिव इनिशिएटिव की जरूरत है वो भले थोड़ा सा देर से सही लेकिन जरूर आएगी। तो उस तरह की प्रक्रिया अपने देश में बहुत हो रही है और मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा इशू है। सेकेंड, आपने पूछा रिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, जैसा जेल जो टर्म को आजकल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, रिफॉर्मेशन सेंटर और ये एंटायर प्रोसेस को शब्दों में वर्णन किया जाता है, यू कैन कॉल इट यूफेमिस्टिक टर्म, व्हाटएवर इट इज दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। आजकल जैसा आपने लाजपुर जेल विजिट किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं। हाँ, जेल के परसेप्शन जो है समाज में वो भी चेंज होना जरूरी है। लाजपुर जेल बहुत दूर नहीं है, अगर आप कभी नवसारी जाते हो राइट साइड में एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एंटायर एरिया इज लिट अप वो देख सकते हैं। यू शुड कभी अपॉइंटमेंट, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो जेल सुपरिटेंडेंट से कभी अपॉइंटमेंट लेके आपका कॉलेज की तरफ से एक विजिट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आपका एंटायर परसेप्शन चेंज हो जाएगा। एक काइंड ऑफ उधर का फ्लोरिंग देखिए आप, उनको जो रूम्स मिल रहे हैं उसका क्वालिटी देखिए, उनका टॉयलेट बाथरूम देखिए, उनका जो लिविंग एरिया देखिए, उनका फूड एंड बेवरेजेस जो सर्व करने का तरीका देखिए, हर एरिया में जैसा फिल्टर वाटर की वो क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगी है, अगर एक घंटे के लिए बंद होता है तो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जिस क्वालिटी का सेवाएं इनको जेल इनमेट्स को देने की कोशिश की है, ये एसेंशियली ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और समाज मानती है कि ये जो भी जेल इनमेट्स हैं या रिफॉर्मेशन सेंटर का इनमेट्स हैं वो अपना ही समाज के एक विमुख होके चलने वाले जो लोग हैं, जिनको जो अपने बीच में से गए और ये भाई बहन को वापस समाज में इंटीग्रेट करना है, इस एफर्ट के तहत ही किया है। उसमें रीडिंग रूम्स भी हैं, टीवी का एक्सेस भी है, लाइब्रेरी भी है, और उनको आजकल डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है। पीरियडिकली आपने न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे इतना लोग इग्नू से एमए एमकॉम एमएससी का सर्टिफिकेट पाए, ये सब एफर्ट्स गवर्नमेंट तंत्र की तरफ से इसीलिए किया जा रहा है ताकि वंस ही कम्स बैक यू शुड बी रीइंटीग्रेटेड। सेकंड जो
प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप बता रहे थे कि कोई आदमी फंसा तो एग्जिट नहीं, ऐसा नहीं है। कानून के बारे में एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसेंशियली लॉ को डिजाइन इसलिए किया गया है कि भले 100 डाउटफुल इंसान एस्केप करें फॉर द वॉन्ट ऑफ एविडेंस, लेकिन एक भी गलत आदमी इसमें सजा पाए उसके लिए डिजाइन किया। इट इज एसेंशियली टू प्रिवेंट वन पर्सन, इनोसेंट पर्सन बीइंग पनिश्ड, एंड द सिस्टम हैज सेड and shown its willingness to let 100 people go scot-free in the process. इस तरह का सिस्टम अपना highly in favor of human rights का है, और innocent नागरिकों को इसमें बहुत सारे ऐसा जो legal procedure laid down है जिसके तहत उनको protection मिल सकती है, बिल्कुल निर्दोष होकर के वापस अपना rights and pride को restore करके वापस आ सकते हैं। Delay जरूर है इस issues को address करने की भी, आजकल जुडिशियल सिस्टम अब पंचवार्षिक योजना में थी नहीं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में विलंब होती थी, कमी थी, ये सब इश्यूज को एड्रेस करने की आज भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। मैं मानता हूँ कि अपना जो कंसर्न है डिले इन प्रोसेस, मैं सी बी आई में देखा 60 ईयर्स तक 42 कोर्स चलते थे, सी बी आई स्पेशल कोर्स ऑल ओवर इंडिया 60 ईयर्स की एड लगे। अभी 2009 में डायरेक्टर सी बी आई ने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पेश किया कि दीज फॉर दीज 3 ईयर्स केसेज आर रॉटिंग, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस केस, दे आर द पीपल हु आर करप्ट इनएफिशिएंट, पीपल हु हैव हिट द सिस्टम वेरी बैडली। तो पीपल्स कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए जरूरी है इस तरह का लोगों का ट्रायल एक्सपीरियंस किया जाए। वन स्ट्रोक ऑफ पेन ही क्रिएटेड 72 आजकल सीबीआई का कमिटमेंट ये है कि 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रायल शुड गेट ओवर, रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड द फाइनल वर्डिक्ट शुड कम, दैट इज द टारगेट। दिस काइंड ऑफ टारगेट इज बीइंग सेट फॉर द लोकल पुलिस ऑल्सो। ग्रेजुअली मैं मानता हूँ अनदर 4 or 5 ईयर्स में आपको आप देखेंगे पुलिस सिस्टम जुडिशियल सिस्टम को एक्सपैंड किया जाएगा। समाज साइन नहीं कर रही है विलंब को, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रेशर है, ये डेमोक्रेटिक प्रेशर ऐसा काम करेगा ऑटोमेटिकली द पीपल हु मैटर इन द सिस्टम विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस एंड दिस एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, और आपको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा द एवरी रीजन वी वेरी होपफुल एंड देयर आर नॉट मेनी पीपल, प्लीज 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 मैडम आप और आप, क्योंकि आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द ट्रैफिक क्वेश्चंस, वी शॉर्ट ऑफ टाइम। No, I'm just saying that then I had to go to the police station again, as you mentioned, it was very lengthy procedure, and then actually locked me up without knowing whether I am the criminal or not. And I was locked up with the criminals. How can you do that? And there was rats running around, there was cockroaches running around. There was only one room, 2 rooms actually. But I was locked up with the criminals who has really done bad crimes. Can you not differentiate between the crimes and whether I was guilty, I wasn't guilty? Nobody asked me that. And nobody asked me for water. Nobody asked me for food for 7 hours. And then, as I said, I don't want to use my influence. But in the end, I had to use my influence. One phone call, things was done, and I was out. This is how bad it is. So I like to know that there should be. मैडम जैसा मैंने माय रिस्पांस विल नॉट चेंज जस्ट बिकॉज़ द एपिसोड इज डिफरेंट, माय आंसर टू वन ऑफ टू दैट इज द सेम इज द आंसर। इफ योर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, इफ यू वर इंट्रीटेड, देयर आर रेमेडीज, वन शुड एक्सेस दोस रेमेडीज। मैं मानता हूं कि अगर आपके एक फोन कॉल करने से करेक्शन हुआ तो मानता हूं हैट्स ऑफ टू द पुलिस लीडरशिप, व्होएवर इंटरवीन एंड लुक एट इट, वो भी आपको अप्रिशिएट करना। इसी सिस्टम में जो कुछ एक्सप्लॉइटेटिव एलिमेंट्स हैं उसके विरुद्ध में पुलिस लीडरशिप इज प्रिपेयर्ड टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, टाइमली एक्शन, दैट गोज टू से दैट एवरीथिंग इज नॉट बैड एंड लॉस्ट इन द सिस्टम। राइट पर्सन का इंटरवेंशन आने से जो भी डिवेट कंडक्ट एंड बिहेवियर है उसको सुधार सकते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क फॉर क्वेश्चन।
before he became, or we were just discussing, many of them knows that open में कहाँ liquor served होता है, open में कहाँ पे drugs मिलता है. जब हम लोग civilized, जो normal civilized people हैं, they can go कि market में कहाँ से liquor easily available है, drugs कहाँ से easily available है, prostitutes कहाँ से available है. तो मुझे पुलिस के लिए बहुत high regard है. मैं ऐसा समझता हूँ कि पुलिस का network सबसे strong network है. तो क्या पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? मतलब एक कॉलेज का स्टूडेंट भी जानता है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी जानती है, मतलब हम लोग सब जान सकते हैं. पुलिस का नेटवर्क काफी हो, पुलिस का अलग सा नेटवर्क नहीं है. और अगर इस तरह की चीजें आपके ध्यान पे आती है, आपका फर्ज है कि वो पुलिस तक पहुंचा दे. देखिए, यू आर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड. आई एम सिटिंग पुलिस कमिश्नर ऑफिस और क्राइम ब्रांच. आई मे पेट्रोल एंड गो अराउंड ट्राई टू मीट पीपल, बट यू आर द बेस्ट इन्फॉर्मड पर्सन रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर हाउस, व्हाट इज हैपनिंग इन योर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नेबरहुड. आप ये अगर सोचते हो कि नरसिम्हा कुमार बात सुनकर के ऐसा करेंगे तो आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या चल रही है या आपके नेबरहुड में क्या चल रही है, उसको जानकारी मिलेगी नहीं. पुलिस जो भी केस दाखिल कर रही है अपना जैसा आप जैसे नागरिकों के तरफ से जो होती है ह्यूमन रिसोर्स से जो अपने को इस तरह की जानकारी मिलती है उसको हम फर्दर डेवलप करके उसको सफल रेट के रूप में कार्रवाई करते हैं. तो हर एक से अनुरोध है कि ये ना सोचे कि अगर हाउसवाइफ को पता है पुलिस को क्यों नहीं पता है. हाउसवाइफ को इसलिए पता है क्यों, क्योंकि वो उस एरिया में रह रही है. आपको स्टूडेंट होते हुए इसलिए पता रही है हो रही है कि आप उसी एरिया में रह रहे हैं. ये ना SVNIIT का कैंपस में या उधर का हॉस्टल में क्या हो रही है, किस ब्लॉक में क्या हो रही है, उस ब्लॉक में रहने वाले विद्यार्थी को ज़्यादा खबर है या एडिशनसी की ड्राइव को ज़्यादा खबर है, ठीक है. तो जो प्रक्रिया जिस समाज में चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी पुलिस को पास ऑन करना होगा. आप ही अपना मेरा आंख और आप ही मेरा नाक. आप जो देखते हो अगर नहीं देख सकूंगा तो कार्रवाई करने में आसान रहेगी. आप जो सुन रहे हो वो अगर मेरे को सुनाई पड़े तो कार्रवाई होने में आसान रहेगी. तो हर नागरिक ये सोचना बंद करे कि चाहे तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, चाहे तो पुलिस हर चीज में जो शहर में चलती है हर चीज बंद कर सकती है. मैं चाहता हूँ बंद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा सिस्टम में इनएफिशिएंसी हो, मेरा अफसर कुछ करप्ट हो, कार्रवाई करने के लिए तैयार ना हो और आप जैसे नागरिक मेरे साथ हाथ जोड़ने के लिए नहीं ना हो, तो ये तमाम सर्कमस्टेंसेस में मैं फेल हो जाऊंगा विदाउट डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड इंटेंशन. तो मेरे को सफल बनाने में आप सबका सहयोग की जरूरत है, सरकार की जरूरत है. बिना किसी हेजिटेशन एंड डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट please pass on the information and we should be able to have sir from our full organization that the police action lucky le municipality aap aaiye sir. Thank you sir, thank you. Our section now sir ke je department ne likhi taar mein police commissioner aap aaiye municipality our full organization jitna ke wo ek je ke system che system ke andar kitna kharab to ho sake e kharab na to सर उनके उल्टा बताया है जो हम सबकी बताए यही है कि दारू का अड्डा सबको पता होता है, जुगाड़ का बंदा पता होता है, तो पुलिस को तो पता होता ही है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं रेड करती है? एक क्या स्पेशल है have this kind of a perception, have a positive opinion about things, we can change the situation.
सर पुलिस एनफोर्समेंट बनाने के लिए आपके लेवल पे कुछ आगे रुझान होती है और गुजरात सरकार में बहुत सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, भर्तियां नहीं होती थी, उनकी भी तरक्की हो सकती है। बहुत सारे हो रही है अभी अपना 750 पुलिस कर्मचारी जिसका कोई भी रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है नजर मंद है, तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाए, लेकिन व्यवस्था में जो खामी है उसको दूर करने की कोशिश किया। सर आपने जब ये बात छेड़ी तो रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, या तो कई लोग ऐसे हैं जो यूपीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि पुलिस में अच्छी कारकर्दगी थी कैसे बना। सर भैया एक मिनट दीजिए, रक्षा यूनिवर्सिटी या यूपीएस के स्टूडेंट को थोड़ा गाइडेंस दीजिए किस तरह से आप अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी और यूपीएससी स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं, रक्षा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, एक पुलिस साइंस में एक यूनिवर्सिटी बना हो, ये पंजाब में है, ये गुजरात में, और मैं मानता हूँ ये लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज और ग्रेजुएट प्रोग्राम में होती हैं, और शॉर्टली शायद ग्रेजुएशन और पी एच डी वगैरह भी प्रोग्राम शुरू करना उनका। लेकिन अभी तक सरकार का कोशिश ये थी कि जो एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक लड़के हैं, कमिटेड हैं, ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ज्वाइन करने की मन है, ऐसा लोग आए हैं, डिग्री पाए हैं और पुलिस सर्विसेज में एंटर करें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि उसका ग्रेजुएट सीधा सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो सकता है या उसका डिप्लोमा होल्डर जो है वो मार्शल बन सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आप तो उस तरह का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को सेवा में आने के लिए काबिल बना सकते हैं, अपना नॉलेज स्किल सेट्स को अपग्रेड कर सकते हैं और इस तरह का सेवा में ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन एक आपका और आपका बाद में मेरे को तो ठाकुर हाँ अभी टाइम रहेगा तो से अपने से
आइसोलेटेड थे, उनका भी कुछ पर्सनल इश्यूज थे। अभी जब अपने साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे गेट टू सी अनदर साइड ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ये नहीं कर रही है, अपना कॉन्स्टेंट पुलिस इज, मैं आपको कहूँ कि मैं भी 8 साल के बाद वर्दी पहना हूँ, आई हैड सरेंडर्ड माय यूनिफॉर्म फॉर 8 इयर्स। तो मैं इस 8 इयर्स में मैंने पुलिस ऑफिसर रहा, फिर आम आदमी की तरह रहा सीबीए में, और उसके बाद 1 साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रहा, अभी वापस इधर लौटा हूँ आफ्टर दैट कोच। तो मैं पुलिस ऑफिसर रह के वापस आम आदमी के परसेप्शन से भी पुलिस को देखा है। तो मेरा खास से यही कहना है कि आप इंटरेक्ट से करोगे तो पता चलेगा। अभी वी आर डेली विद हंड्रेड्स ऑफ डेलीवेंट पुलिस में, और अपना अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी से हाईएस्ट, मैं एसपी हूँ, डीआईजी हूँ, मेरे को हाईकोर्ट में भी खड़ा होना, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा हो सकता है, मैं 10:30 से 5 बजे जो बता रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सफर कर सकती है, मेरे को खड़ा रख सकती है, खुलासा पूछ सकती है। इस तरह का अकाउंटेबिलिटी, इस तरह का रिगरस स्क्रूटनी बाय थर्ड पार्टी इज नॉट सीन इन अदर पार्टी, इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पुलिस। मैं हर केस इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इट इज लायबल टू बी स्क्रूटनाइज बाय जुडिशरी, हर एक को अरेस्ट करता हूँ विद इन 24 आवर्स, ही हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, हर एक को रिमांड में मांगता हूँ 48 आवर्स में, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, अगर उसको इंजरी है वो है तो कोर्ट में फिर से पेश करना है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होकर के चार्जशीट होती है हर 15 दिन में उसका हाजिरी है, हर बेल एप्लीकेशन में अपना डिफेंस अपने को लेनी है। ये ऐसा नहीं है कि अपने कुछ रद्दी दे दिया जुडिशरी एक्सेप्ट किया है, तो अपना पुलिस एजेंसी कुछ ऐसी एजेंसी है जिसका हर एक्टिविटी इज स्क्रूटिनाइज बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसमें देश भर में विश्वास है वो जुडिशरी। तो उनके हाईएस्ट अकाउंटेबल ये है, लेकिन हम सोचते हैं क्योंकि इंसान जो प्रोग्रेस विद लॉ है उनको लगता है कि ये इनकन्वीनियंस है, ये मेरे साथ बहुत ही अनप्लेजेंट सा चीज हो रही है, लेकिन लॉ के साथ एनकाउंटर जो है क्या आप उसके दर्शन में आएंगे, इट कैन नेवर बी बेटर, तो यू शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ। जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो के हाथ में नहीं पड़ता, ही शुड एनफोर्स द लॉज इन इट्स ट्रू स्पिरिट, अगर उसको डिमेंट करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे यू लर्न। सर ट्रैफिक के प्रश्न की शुरुआत करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नहीं 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 सर, ये भाई बहुत बहुत हो गई, इसलिए ट्रैफिक के बाद में एक सामाजिक प्रश्न जैसा। नहीं 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 बात चंद्र में पहले तो यही होता है कि आपका विजन क्या है सबसे पहले, और जो सीसीटीवी कैमरा की सुविधा उपलब्ध की है, आपने अनाउंसमेंट किया है कि अभी और इसके बाद में आप ट्रैफिक के बारे में क्या क्या कर रहे हैं, खास करके रिंग रोड के ट्रैफिक के बारे में, रिक्शा की जो पार्किंग की समस्या है उसके बारे में, आपको बता दी इतना आप पहले शुरू कर जी। सर निखिल भाई ने काफी बातें बता दी है, लेकिन एक चीज जो है हिट एंड रन केसेस और ह्यूमन साइकोलॉजी उसके बारे में मुझे कुछ जानना था, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। सर जनरली इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ड्राइवर होते हैं वो अपने रफ ड्राइविंग के लिए काफ़ी फेमस होते हैं, और जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें कभी कभार ड्राइवर हाथ में भी नहीं आते हैं, आइदर मैं समझता हूँ कि 80% लोगों का ड्राइविंग कॉशियस नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो 20% ड्राइवर है, मैं टू व्हीलर फोर व्हीलर हैवी व्हीकल सबके बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई वो कितनी ही सेफली ड्राइविंग करें,
लेकिन कभी ना कभी ऐसा बन जाता है कि ज्यादातर रूरल एरिया में ऐसे इंसिडेंट्स काफी बनते हैं कि कोई ट्रेसपासर्स आ गया या कोई पेडेस्ट्रियन आ गया और वो दिखाई ना दिया, एकदम मुझे बीच में से आ गया, उसको कुछ छोटी सी टक्कर लग गई, उसको चोट पहुंच गई। तो ऐसे केसेस में सर क्या होता है कि जो नजदीक के इलाकों में जो होते हैं वो ड्राइवर को गुनहगार मान लेते हैं और उसको या तो मारने पीटने लगते हैं या उसका उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो माहौल में ड्राइवर घबरा जाता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि रूरल एरिया में कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, वो 40-50 की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चला ना रहा हो, फिर भी किसी का अगर छोटी सी टक्कर लग गई तो उसको सीधा पुलिस चौकी जाना पड़ता है या कुछ भी उसके साथ एक्शन लिया जाता है। तो सर ऐसे केसेस में अगर मानो कि किसी से कोई किसी को छोटी चोट पहुंच जाती है तो वैसे केस में वो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? इसमें इनको रिपोर्ट कर लेते हैं। हां, ये रोड बने हैं वो किसके लिए? जनरल पब्लिक चलाने वाले के लिए या जब एक्चुअली रोड का जो फर्स्ट राइट है पेडेस्ट्रियन की, रोड इज दी राइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन। हम लोग सोचते हैं कि बीच में आ गए इसलिए हमने मार दिया, तो मैं सही था, पेडेस्ट्रियन था। एंड मोटराइज्ड व्हीकल्स का इंजीनियरिंग टूल है, इंजीनियरिंग डिजाइन है, इट इज डिजाइन टू एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेट। आप ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, है ना? तो ये सब फैसिलिटी आपको उपयोग करना आना जरूरी है। स्पिरिट ऑफ लॉ में बता रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ लॉ, इस धरती का कानून का स्पिरिट ये है कि हर नागरिक जो रास्ते पे चल रहा है उसको सुरक्षित चलने का अधिकार है, उसको उसका सुरक्षा को कायम करने के लिए बहुत सारे नियम, मोटर व्हीकल रास्ते पे कैसा चलानी है उसके लिए कानून बने। तो जैसा हिट एंड रन है, हिट एंड रन आपको अधिकारी नहीं बनता कि कोई पेडेस्ट्रियन को मारने का, धीरे से या तेजी से उसको हड्डी तोड़िए या उसका जान लीजिए, दोनों अपराध। तो एक तो हमेशा आपके मन में जागृत होना चाहिए कि मैं 10 बार हॉर्न मार रहा हूँ भी साइड में नहीं चला इसलिए मैंने मार दिया, दैट इज नो डिफरेंस। तो ये सब कानून में, कानून के बारे में अपना एक गैर समझ की वजह से हम इस तरह का असमाधान में रखे घूमते रहते हैं। मैंने थोड़ा सा टच किया था उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड से घुस गया, रॉन्ग साइड से आ गया, यू आर सपोज टू एक्सपेक्टेड टू हैव सफिशिएंट स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू मैनेवर एंड सेव हिज लाइफ एंड सेव योर ओन लाइफ। अगर ये आपके मन में स्पष्ट हो तो ट्रैफिक के बाद कितना तनाव के बारे में जो आपके मन में ये है। सेकेंड जो फंडामेंटल इशू है, जैसा पहले भी उन्होंने बोला था, मेरे को रोका गया, इस देश में जैसे सूरत जैसा शहर में भी बहुत सारे टीनेजर्स, एक मेरा फ्रेंड इधर बैठी है, बहुत सारे लोग हैं जो मोटर व्हीकल लाइसेंस रखने के लिए एलिजिबल भी नहीं है, लेकिन उनको 12th बर्थडे पे 14th बर्थडे पे उनको टू व्हीलर गिफ्ट दिया जाता है, अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपना बच्चों के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए और उनका स्कूल पहुँचने का टाइम बताने का एक सदविचार से। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस धरती का कानून उसको मान्य नहीं करती है, और ये इसलिए एज निर्बंध लगाया गया है कि जब तक प्राप्त वयस्क लड़का या लड़की नहीं है वो इस तरह के जवाबदारियों को, जो पब्लिक में जब गाड़ी चलाते हैं उसको समझने के लिए वो नाबालिग है, वो सक्षम नहीं। तो इस ये एक इशू है। सेकेंड, बहुत सारे बाग नागरिक ऐसा मानते हैं, जैसा अपना गुड हैबिट्स ऑफ ड्राइविंग है तो गाड़ी का संबंधित हर डॉक्यूमेंट साथ में ओरिजिनल साथ में रखें, पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट रखें, खुद का ड्राइविंग लाइसेंस रखें, जब हेलमेट पहने अगर मोटरसाइकिल है तो, अगर कार है तो खुद का सीट बेल्ट पहने, और जब चालू करके चलते हैं लेन डिसिप्लिन फॉलो करें, आगे वाला गाड़ी से सीट डिस्टेंस रखें, जब जरूरी है तब हॉर्न बजाएं और जो निर्धारित स्पीड में चलें, ट्रैफिक सिग्नलों में पुलिस का जो इशारा पे आदर करके रोके, है ना? ये सब अगर हम करें तो सूरत शहर में बनता तनाव को कितना हद तक घटा सकते हैं, जो बिन जरूरी
इंसान का मृत्यु होती है और इंजरी होती है सीरियस एंड माइनर, और अपना कितना फैमिली अपने इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर को हो जाते हैं, इस तरह का प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। ये देख के आप हैरान होंगे कि इस देश में प्रति वर्ष 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। रोड इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन दिस कंट्री। अपना डिबेट होता है कोई छोटा मोटा इंसिडेंट में अगर कोई मर गया उसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन ट्रैफिक सुरक्षा के बारे में जो जन जागृति और समाज का जो कमिटमेंट कटिबद्धता जो जरूरत है उसके बारे में हम ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं। मैं इस फोरम से आप सबको अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो एटिकेट है, जो डिसिप्लिन है वाहन चलाने वाले के पास होना जरूरी है, इसको आपका बच्चों को इंग्रेड होना चाहिए, अपना हर नागरिक में ये जागृत रहना जरूरी है। हम सोचते हैं कि मेरे को ही अर्जेंसी है ऑफिस पहुँचने की, मेरे को ही अर्जेंसी है स्कूल पहुँचने की, नहीं, आपको शहर विस्तार में जहाँ पे 52,00,000 का पॉपुलेशन है, 50,00,000 वेहिकुलर पॉपुलेशन है, ऐसा शहर में आप निकलते हैं तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इधर से उधर निकलने के लिए नॉर्मल टाइम में क्या है, अगर ट्रैफिक जाम का 10 मिनट्स का पोटेंशियल है तो उसको प्रोवाइड करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। और जब रास्ते में चल रहे हैं, हर नागरिक कोई पॉकेट में मस्ती के लिए नहीं जा रहा है, हर एक का एजेंडा है, दिन का नौकरी का, दिन का बिजनेस का, दिन का एजुकेशन का, या कहीं किसी से मिलने का, किसी को रिसीव करने का, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में हर आदमी कोई ना कोई एक एजेंडा मन में साथ में रख के चल रहा है, उसको अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप जल्दी पहुँचने का खुद का डेस्टिनेशन हासिल करने के लिए दूसरों ओवरटेक करो, लेन डिसिप्लिन बिगाड़ो, हॉर्न बजा के डिस्टर्ब करो, ये कर रहे हैं तो ये तो खुद का सेफ्टी को आप बिगाड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, साथ में आपका एक साथी नागरिक को समय से पहुंचने का मौका बिगाड़ रहे हैं, साथ में उनका सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये अगर हर नागरिक फंडामेंटल चीजें समझे तो अपना फर्दर डिस्कशन चलेगा। और सेकेंड चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट साहब ने मेरे को इधर बुलाया, सुनील भाई ने बुलाया तो मैं इधर आया हूँ डिस्कशन के लिए, ट्रैफिक का हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं काबिल नहीं हूँ। ट्रैफिक एक मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी है, इसका मैनेजमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स सरकार के जुड़े हुए हैं, इसमें एसएससी रोड बनाती है, रोड जंक्शन वो बनाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल उनको इंट्रोड्यूस करना है, मोटर व्हीकल लाइसेंस आरटीओ इश्यू करती है, वाहनों का हेल्थ एंड इंजीनियरिंग वो चेक करते हैं, और जो वाहनों का और अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन उसका डिटेक्शन वगैरह का जवाबदारी मेरा है। ट्रैफिक जंक्शनों में ट्रैफिक निगरानी का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस की है, अगर कोई एक्सीडेंट है उसका ट्रामा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एम्बुलेंस सेवा है, उसको पहुँचाने का हॉस्पिटल्स सिविल हॉस्पिटल और अदर एजेंसीज जुड़े हुए हैं। इसी तरह का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रश्न आती है, GSRTC है, सूरज जैसा जगह में अगर हो सकता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की है, और बहुत सारे एजेंसी के साथ जुड़े हैं, कलेक्टिवली देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैफिक सिस्टम, उसमें आई एम वन ऑफ द एलिमेंट्स, मेनी एलिमेंट्स। तो मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक एजुकेशन, रिपोर्टेड इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। आपका ज्यादातर प्रश्न इसके ऊपर फोकस रहे तो मैं पूछूंगा, अगर संबंधित अन्य प्रश्न है उसको मैं आंसर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, उसको भी नागरिकों को अच्छा सुविधा मिले, इस शहर में ट्रैफिक अच्छे अच्छे रहे, हर नागरिक जो अपना ऑफिस पहुंचना चाहता है, हर महिला अपना घर पहुंचाना चाहती है, हर विद्यार्थी अपना स्कूल से वापस आना चाहता है सुरक्षित, वो कर सके, वो सुनिश्चित करने के लिए सूरत ट्रैफिक पुलिस कटिबद्ध है, उसको हम हर एजेंसी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं के साथ संकलन सरकार और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और बेस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम भरपूर प्रयत्न करते हैं। सर मेरे क्वेश्चन उसी है, सीसीटीवी कैमरा का प्रोजेक्ट, इसके आप जब आप क्या क्या करना चाहते हैं, हेलमेट जो ये सब जिब्रा क्रॉसिंग और तो जरा सर सीसीटीवी प्रोजेक्ट पे जो है ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, देश में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सर्विस में शुरू किया गया है और शहर में करीब 23 जंक्शनों में ये
104 कैमरा थे हम सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये इस सिस्टम अभी फर्स्ट फेज में है, इसको सेकंड थर्ड फोर्थ फेज में इसको एंटायर सिटी को स्प्रेड किया जाएगा फेज्ड मैनर। और जो इसका मल्टीपल यूज है, इसके फोटो सर्विलेंस है, सेकंड फेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं, और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी उसका एक अच्छा हिस्सा है। तो इसमें जो ट्रैफिक में इसको दो काम से यूज कर लिया, अगर कोई जंक्शन में जाम है, कंजेशन है, या उस स्टेज में कोई मैनेजमेंट रिलेटेड इशू है, उसको अपना जो फील्ड टीम्स हैं उनके साथ संचालन करने के लिए और नॉर्मल ट्रैफिक चलते रहे उसको सुनिश्चित करने के लिए हम कोशिश करें। सेकेंड आस्पेक्ट ये है मैनेजमेंट आस्पेक्ट, सेकेंड आस्पेक्ट है एनफोर्समेंट आस्पेक्ट। जैसा अभी आप काफ़ी नागरिक रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, उनको कभी रोका जाता है, ट्रैफिक का चालान किया जाता है। अभी अपने पास जंक्शनों में पुलिस और ट्रैफिक ब्रिगेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करते हैं, करीब 19 टीम्स अपने हैं जो एनफोर्समेंट टीम कहते हैं, शहर के अलग अलग जंक्शन में खड़े रखे जो ट्रैफिक नियमों का भंग करते हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का कार्रवाई हम जो वीडियो फुटेज में दिखते हैं उस तरह का वीडियो फुटेज के आधार पर हम रिमोटली एक आपको चलान भेज रहे हैं, जिसको ई चलान हम कह रहे हैं। तो उसमें आपका जो वाहन जिस जंक्शन में थी, कौन सा तारीख को थी, कौन से किस टाइम में थी, किस तरह का नियमन किया है, उसका फोटोग्राफ के साथ विगतों के साथ आपको आपका जरा मैंने हम ये चला। तो आपको कभी आपको ऑफिस में जा रहे हैं हम 10 मिनट के लिए रोक नहीं रहे हैं, नॉन इंटरवेंशनिस्ट प्रोसीजर है। अगर महिला जा रही है या विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, हम उनको समय बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो अपना घरसुदी या ऑफिस पहुँच सकते हैं, उसके बाद चलान मिलेगी अगर आपने ई एम का प्लान किया। इसका पेमेंट के लिए हमने देना बैंक के साथ टाइप किया हुआ 18 ब्रांचेस है देना बैंक की शहर में, उनका 24 ATMs है। तो ये बैंकों में ब्रांचों में जाकर के आप पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपको उनको नहीं है तो 24 ATMs में या ये 18 बैंक ब्रांचेस में ड्रॉप बॉक्स होता है, उधर आप चेक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ये नागरिकों के अनुकूल के लिए देना बैंक एक भी पैसा इकट्ठा किया होगा, नॉर्मली चलन बनने के लिए 40 रुपये लगती है किसी भी बैंक में जाइए, लेकिन सूरत नागरिकों का सुविधा के लिए हम लोग ने स्पेशली नेगोशिएट किया था बैंक के साथ, और गुजरात में उनका रूट्स है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक नागरिकों का गुडविल के नागरिकों के सुविधा के लिए गुडविल के तहत हम लोगों ने 0 चार्जेस बेसिस पे ये सुविधा सूरत के नागरिकों के लिए दिया है। मैं मानता हूँ ये पुलिस और बैंक का पार्टनरशिप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री है, तो हर एक से अनुरोध है इसमें वॉलेंटरीली पेमेंट करें ताकि अपने को इंटरवेंशन करने की जरूरत ना पड़े। सर, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेलमेट लॉ? हेलमेट लॉ इज वेरी मच देयर, हर एक टू व्हीलर जो राइडर है हेलमेट पहनना चाहिए, उसका जो स्पेसिफिकेशन है ISI अप्रूव होना चाहिए ताकि हर हर नागरिक का सुरक्षा जलवाए रहे। इसके लिए जो नागरिकों का यही जैसा मैंने बताया, काफ़ी लोग कहते हैं हेलमेट पहना कमिनेट कराए, कुछ लोगों का मन होगा इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहना तो हमारा क्या होगा, कोई कहने वाला है नहीं, कोई कहेगा नहीं लेकिन कोई पहनता भी नहीं। ये जैसा मैंने बताया ये सुरक्षा के लिए पेडेस्ट्रियन टू व्हीलर का सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप हेलमेट पहने। अगर कंटेंप्ट फॉर लॉ ऑफ दिस काइंड इज अमाउंट टू कंटेंप्ट फॉर योर ओन सिक्योरिटी योर ओन सेफ्टी, आप अगर सोचते हो कि हेलमेट नहीं पहनूंगा तो आपका ही जान जोखिम में, तो आपका एक फंडामेंटल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, फॉर इफ एनीबडी हैज कंटेंप्ट फॉर ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक रिलेटेड लॉस you are showing contempt for your own safety, your own safety and safety of your fellow citizens. Surat khud ka to jaan jokhim mein hai, saath mein mera aur 52 lakh other population ka bhi safety jokhim mein hai. To mera anurodh hai koi khud ka safety ka khayal rakhe aur saath mein
समुदाय के हर सभ्य के सुरक्षा के लिए भी आदर करें, आदर रखें, तो हेलमेट पहने और शहर में वॉलेंटरली आप करने से आपको तो रोकने की जरूरत ना पड़े। और जब 99% लोग हेलमेट पहन के शहर में घूम रहे हैं, एक लोगों के विरुद्ध में इन्फोर्समेंट करना मेरा काम आसान हो गया। और वॉलेंटरली आपका कॉम्प्लेन से कोई टेंशन में आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अनप्लेजेंट पुलिस के साथ का इंक्राउंडर की जरूरत नहीं है, कोई इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, क्यों किया था जो शायद इस सारी चीज को थोड़ा सा आपको खुलासा दे। मेरा सर से सिर्फ 2 महीने पहले एनकाउंटर हुआ, जब मैं सर को जानता नहीं था, ये मेरे को जानती थी। एक कॉमन कंप्लेंट लेके मैं सर के पास पहुंचा और सर ने कहा कि भाई और कोई सर मेरे साथ एक बार पहले हो चुका, सर ने कहा आपने पहले क्यों नहीं हमको ये कंप्लेंट किया, पहले कंप्लेंट करते तो दोबारा ये नहीं होती। वहां की वहां सर ने एप्लीकेशन की, साथ के साथ एक्शन लिया और 2 दिन में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अगर मेरे साथ ही हो सकता है, मैं अगर ये इंप्रेशन लेके जा सकता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर से इंटरेक्ट करने के बाद में ये इंप्रेशन लेके जाएंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो माइंडसेट का चेंज है, वो जो मेरा हुआ, मैं सोचता था कि लोगों का वीक हो, दिस वाज द बेसिक रीजन टू हैव दिस इंटरेक्शन। मैं सोचता हूँ कि हम इस चीज में सफल हुए होंगे, पूरे नहीं होंगे तो थोड़े कम होंगे, लेकिन उस दिशा में बढ़े होंगे। अगर ये हो सकता है तो आज हमारे प्रोग्राम समय बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं जयवेश बोलूंगा। सर वन क्वेश्चन, सर मेरी मेरी क्वेश्चन, देखिए शहर में ट्रैफिक का बहुत सारे समस्या है, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अपना सीमाएं जो लिमिटेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। 52 लाख का पॉपुलेशन है, 52 लाख रेगुलर पॉपुलेशन, इसमें 17 लाख मोटरसाइकिल, 87,000 ऑटो रिक्शा, इसमें इस तरह के शहर में अपना पुलिस कर्मचारी को 35 है और उसको हमने कोशिश की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो ट्रैफिक ब्रिगेड है, वॉलंटियर फोर्स है, उनको कोई लॉ एनफोर्समेंट का सत्ता नहीं है, लेकिन अगर नागरिक उनको आदर से देखे, कई इशारों को समझे, तो हम उनको ट्रैफिक नहीं मिल सकते। शहर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, विस्तार हैं, जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन है, आप जैसे कह रहे हो वैसा बहुत सारे होता है। उसको दूर करने के लिए टर्म्स ऑफ मैन पावर अपना शिफ्ट है, आपको 2 शिफ्ट में काम करना है, सुबह से 8 बजे से रात को 12 बजे। इसमें अगर मेरे पास 590 DRP दे सकते हैं, उसको 50% एक शिफ्ट में, 50% दूसरा शिफ्ट, उसमें आपको ये प्रोविजन करना पड़ेगा, उनको छुट्टी पे जाते हैं तो वीकली ऑफ देना है, कुछ लोग गैरहाजिर रहते हैं, तो आप सेफली, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सूरत में 6 तक 80 कर्मचारी का रोज उपलब्ध नहीं है। इस सिचुएशन में हम ट्रैफिक को मैनेज कर, तो उसको आपको ध्यान रखना। इसी तरह के शहरों में जैसे कानपुर 85 लाख का ऑपरेशन, तो हम बहुत पीछे थी, तो दिल्ली उसका आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई है, देखेंगे हैरान रहेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या रिसोर्स। मेरे पास एक ACP ट्रैफिक है और 5 इंस्पेक्टर हैं जिसमें एक बताइए है और करीब 14 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 235 इन ऑल, तो विद सीवियरली लिमिटेड मैन पावर माई प्रेजेंस ऑन द रोड इज वेरी वेरी, बहुत सारे चक्कर में है नहीं, आप रिजवाद कर सकते हैं, डेलीगेशन ले सकते हैं, लेकिन हम आदमी ना फैलें, तो DRP से कुछ हद तक हमने इस इशू को हल करने की कोशिश की है। एक इनोवेटिव मेथड है जिसमें बहुत सारे नागरिकों का बार बार रिजवाद होता था कि DRP भी पुलिस फाइन वसूलने में करती है और मैनेजमेंट काम करती है, तो अभी हम लोगों ने DRP का जो लॉ एनफोर्समेंट का जो सत्ता था उसको पूरा ड्रॉ कर दिया, उसको हम चलान करने में या रोकने के लिए जो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैफिक जंक्शन मैनेजमेंट के लिए। और हमने ये एनफोर्समेंट के लिए 19 जितना सेपरेट टीम्स हैं, ये प्योरली पुलिस टीम्स हैं, आइदर हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और एड कॉन्स्टेबल और ये सारे
एट इंच का एक ही काम है कि इस तरह का वायलेशन करने वाले ना बैंक के विरोध में कार्रवाई करनी। इससे अभी लास्ट एक महीने दो महीने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है नागरिक हुकूम में मानता हूँ काफ़ी इससे प्रारंभ। जैसा आपका स्पेसिफिक इशू जैसा टेक्सटाइल मार्केट इशू समस्या गंभीर है, उसको हम विथ लिमिटेड रिसोर्सेज विथ क्या बोलते हैं एनर्जी अपना जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टूल के साथ काम करते हैं उसको दूर करने की कोशिश की। आपका प्रेसिडेंट का डेलीगेशन आया था, उसके बाद मेरा समक्ष बात हुई, बहुत सारे इस तरह का टेक्नोल को कार्रवाई की है। आप कमीशन कमेचरी का सामने का पुलिस लाइन में है, आज भी जा करके देख के आइए कितना टेम्पो तो हर रोज करीब 200 से 250 वाहन डिटेन होते हैं, जो डिटेन होते हैं वो भी रिजवाद करते हैं, इसी तरह का रोका गया होता है। और अपना 4000 से ज़्यादा केसेस जो हेलमेट वायलेशन वगैरह करते हैं, लेकिन अपने को इसमें मजा नहीं आ रहा है। ट्रैफिक फाइन वसूल करके अपने को रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ज़्यादा नहीं। ट्रैफिक फाइन हर एक नागरिक के पास हम 50 रुपये दंड वसूल कर रहे हैं, उससे पुलिस का दंड नहीं बढ़ती है या पुलिस स्टेशन नहीं बढ़ती, आपको मन में स्पष्ट होना चाहिए, या नरसिम्हा कुमार को उसके लिए पुलिस मेडल मिले। तो ये अपना नागरिकों का सुरक्षा के लिए लॉ एनफोर्समेंट जरूरी है। अपने को तब मेरे को खुशी है अगर जैसा मैंने कहा 99% वॉलंटरी कॉम्प्लेंस हो, अपने को सिर्फ 1% लोगों को टारगेट करने का जरूरत पड़े तो अच्छा लगता है। कुछ नागरिक अपने साथ इंट्रैक्शन कर चुके हैं पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह से भी बातें आती रहती हैं, आप एक साथ में 500 रुपये कलेक्ट कर लो, महीने भर अपने को हेलमेट पहना करने का ये करो। मैं एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में इस तरह की बातों के बारे में मेरा एक ही रिस्पॉन्स है, बड़ा शहर में इतना बड़ा पॉपुलेशन में लॉ एनफोर्समेंट भी काम सरल हो जाएगी, नहीं तो मेरे को तनख्वाह मिल रही है इसलिए ऐसा नहीं अपील कर रहा। आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ सिटी, आई एम ऑल्सो रिसाइडिंग इन सेम सिटी। आपको जो ट्रैफिक का समस्या है मेरे गाड़ी चलाने के लिए भी हुई है, आप कह सकते हैं लाल बत्ती है तो हुई है, लाल बत्ती वाला गाड़ी फ्लाई नहीं करती है, टायर पे ही चलती है। तो ये हर एक नागरिक का मन में हो, 50 रुपए की प्रश्न नहीं है। चलान का 50 रुपए को 50 रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू से ना देखें, 100 रुपए उसे इन टर्म्स ऑफ इट्स का करेंसी का वर्थ के एंगल से ना देखें। आपका मन में ये जागृत रहे, आई वॉज मेड टू पे पेनाल्टी फॉर वायलेटिंग लॉ, आई शैल नॉट डू इट अगेन इन माय लाइफ, दैट शुड बी द कमिटमेंट यू हैव। अगर ये होता है रिपीट ऑफेंडर नहीं है, एक दिन हेलमेट के बगैर पकड़ा गया, एक दिन सीट बेल्ट के बगैर पकड़ा गया, लेकिन ये ट्रैफिक है कि एटिकेट सीख लिए और अच्छे नागरिक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन गए, मेरे को गर्व की बात है। सूरत शहर में मेरा एडिशन कमीशन होते हुए कुछ सुधार आया अच्छा लगेगा और इसका इस मेमोरी में जो है तो स्वतंत्र शिक्षण है वो रिक्शा वाले का जो है रिक्शा रिक्शा का ये शहर एक ऐसी शहर है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक है, जहाँ पे अभी तक जो चल रहे थे करीब 100 बसेस चल रहे थे, 2 लाख पॉपुलेशन में 100 बसेस नहीं चलेंगे। बेंगलुरु में 85 लाख हैं, उसमें ओवर 6700 बसेस हैं, हर तरह के एसी नॉन एसी वोल्वो मार्को पोलो हर तरह के। मैं मानता हूँ अभी बीआरटीएस में इंट्रोडक्शन हुआ है, एसएमसी की तरफ से एक मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट खड़ा करने की कोशिश है, बहुत सारे लोग अभी 17,000 मोटरसाइकिल की में गिरफ्तारी, 2 लाख कारों की गिरफ्तारी, इस तरह का सिचुएशन से हम बाहर तब आ सकते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग हो। ऑटो रिक्शा हम उनको विलन के रूप में देखते हैं, मैंने भी आधा जिंदगी ऑटो रिक्शा में चलने हुए बिताई है, ट्रैवल किया। अभी मैं सेवा में आने के बाद सरकारी गाड़ी का सुविधा मिला, कभी छुट्टी पे जाता हूँ तो मेरे को वही अपना वाहन। तो ऑटो रिक्शा को अपना एक अर्बन अर्बन लाइफ में एक इंटीग्रेट इंटीग्रल पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, उसको रिकोगनाइज करना चाहिए। और अपने बीच में इधर जो बैठा है मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि 9-10 लाख के कारण जो 50 या 60 रुपए के जो पर लीटर पेट्रोल डीजल आती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक चीप एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑटो रिक्शा, तो उसको जरूरत है।
उसको कैसे हम ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको जैसा कैसे उनको ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली कर सकते हैं, उसके लिए हम चिंतित हैं। उसके लिए हम कुछ आयोजन भी किए हैं, एक एनजीओ के साथ टाइम करके एक ऑटो रिक्शा पूल बनाने की, कॉल सेंटर के जरिए उनको सिटीजन को उसका सेवा उपलब्ध करने की, उसका जो जो भी पैसेंजर ऑटो में बैठ के जाता है उसका नोट रखने की, उसका सुरक्षा कायम करने की इस तरह का कोशिश अपनी तरफ से चल रही है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं मानता हूँ इसी तरह का एक इसमें कमीशन साहब उसको जाहिर करने की ये ऐलान करने की उम्मीद है। तो जब वो होगा मैं मानता हूँ ये और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तक बहुत फंडामेंटल इशूज का एक मास ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का इशू एड्रेस नहीं होता ये समस्या रहेगी। लेकिन ऑटो रिक्शा को एक समाज में विलन नहीं मानिए, उनको अपना एक इम्पोर्टेंट कड़ी मानिए, अपना साथी नागरिकों को उसका जो रियाज है रहेगा उसको अपने को थोड़ा सा ठीक है। और इधर नर्मद लाइब्रेरी में आपने मेरे को बुलाए और आप जैसा जागृत जानता नागरिकों के साथ इंटरेक्शन की मौका दी और पेशेंट से आपने मेरा व्यूज़ को सुना, बहुत सारे व्यूज़। मेरा एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम एंड ट्रैफिक का नहीं है, एक सांसद समाज एक आम आदमी के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है बहुत सारे इशू से आप मेरे से सहमत ना हो, लेकिन मैं भी एक आम नागरिक पहले हूँ, उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा एक पेड प्रोफेशनल आदमी हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है एक प्रोफेशनल की तरह आपको रिस्पॉन्ड ना करो और एक सेंसिटिव इंसान की तरह आपका प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लोग अगर खुशी है also thankful to one and all those who made this program one more successful.